are connecting on Food Connect. Akshat Triteya, Festival of Unending Prosperity. Hamare YouTube channel ko subscribe karna na bhule. Buy gold on this day. We'll end up in a happy marriages. Yehi amrit khane ki shuruaat hui. I've been invited. To chaliye dekhte hain kaise banate hain puran poli. Akshat Triteya, Festival of Unending Prosperity will be celebrated on 3rd day of Vishakha month as per the Indian Vedic calendar. This day marks one of the auspicious days. Any beginning started on this day is believed to keep growing with peace and prosperity. This day marks one of the auspicious days. Any beginning started on this day is believed to be prosperous and peaceful. We all know India's love affair with gold. So Indians prefer to buy gold on this day. We have a belief that anything started on this day will be auspicious and will result in a prosperity and peace. We prefer to start businesses on these days. We believe that marriages fixed on these days will end up in a happy marriages. Namaste everyone, I'm Dipali Farnis. We are connecting on Food Connect. On this Akshat Triteya, we generally start eating mangoes. In the state of Maharashtra, this month is called as a month of mangoes. I'm right. We start this month on this day of Akshat Triteya. So when we are connecting on Food Connect, I've been invited on the festival and festivities and feast of Akshat Triteya. So let's go and see what is there on the plate of Akshat Triteya. अक्षय तृतीया के पावन पर्व पे हम कनेक्टेड हैं फूड कनेक्ट से। मयूरी फडणीस, आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का दिन है स्नेह और समृद्धि का। आज मेरे घर एक बहुत ही खास मेहमान आ रहे हैं, जिनके लिए मैं अक्षय तृतीया की त्योहार की खास थाली बना रही हूँ। अक्षय तृतीया की थाली तो काफी बड़ी होती है। मैं आपको उसमें से बताऊंगी पुरन पोली, और वो खाई जाती है आम रस के साथ। पुरन पोली तो मेरी फेवरेट है, मुझे लगता है आपकी भी फेवरेट होगी, और अक्षय तृतीया से ही आम रस खाने की शुरुआत होती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं पुरन पोली। पुरन बनाने के लिए मैंने एक कटोरी चने की दाल ली है, उसको दो कटोरी पानी डाल के अच्छे से गलने तक उबाल के लेना है। जो हमने दाल उबाल के ली थी उसका हम जो एक्स्ट्रा पानी था वो अच्छे से निचोड़ के लिया है। ये पानी बहुत हेल्दी रहता है, इसका हम ये फेंक नहीं देंगे, इसका मैं आमटी बनाऊंगी और ये हम चावल के साथ खाएंगे, वो बहुत टेस्टी लगता है। और जो ये दाल है ये हम इस मशीन में पीस के लेंगे, इसको हम बोलते हैं पुरन यंत्र। ये दाल मिक्सर या हैंड मिक्सी में भी हम पीस के ले सकते हैं, लेकिन ये जो मशीन है ये परंपरागत मशीन है, इसमें उसका टेस्ट बहुत बहुत अच्छा आता है। इस तरीके से हम इसको पीस के लेंगे। जो हम पीस के लिया है ये इस तरीके से इसमें ऐसे दिखता है, ये देखिए ऐसे दिखता है। अब ये जो अच्छे से पीसा है इसको हम गुड़ डाल के गरम कढ़ाई में अच्छे से पका के लेंगे ड्राई होने तक। अब मैं पुरन को पकाने जा रही हूँ। जो हमने दाल और गुड़ सेम क्वांटिटी में लिया था उसको मैं अच्छे से पकाने जा रही हूँ। इसको धीमी आंच में पकाएंगे ताकि इसका टेस्ट अच्छा लगे।
अब आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है और ये अच्छे से पक गया है। अब ये पूरन पोली बनाने के लिए रेडी है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसे कंटिन्यूसली घुमाते रहना है नहीं तो ये चिपक जाएगा, जल जाएगा नीचे से। ऐसे कंटिन्यूसली इसको हिलाना है। अब आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है और ये अच्छे से पक गया है। अब ये पूरन पोली बनाने के लिए रेडी है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मेरा पूरन रेडी है और मैं अब बनाने जा रही हूँ पूरन पोली। मैंने आटा गूंद के रखा है पहले से ही और अभी ये पूरन हमको जितना क्वांटिटी चाहिए उतना हम ले सकते हैं। मेरी बेटी को ये ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने ज़्यादा लिया है। अभी ये इसे गोल बनाएंगे, फिर ये आटे का एक गोल बनाएंगे और ये आटा थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए नॉर्मल रोटी से, तो इसमें हम इसे हाथ से करके ऐसे इसमें फिल करेंगे, ऐसे करेंगे। इसको अच्छे से प्रेस करके करना है नहीं तो ये टूट सकता है। अच्छे से बेलना है, बस ध्यान दीजिए ये बाहर ना आ जाए। पूरे साइड से इसे घी लगाइए पहले। थोड़ा सा घी लगाएंगे, और ये गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से सेक लेंगे। अब ये है हमारी पूरन पोली रेडी टू सर्व। ये देखिए मेरे मेहमान आ चुके हैं, तब तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नहीं क्या कर रही
मयूरी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। खाना तो बस रेडी है, बस दो मिनट में चलो फटाफट आ जाओ, फटाफट खाना खाएंगे। चलो चलो। अरे वाह, लुक सो यम्मी। तो हम एंजॉय करने जा रहे हैं अक्षत तृतीया की आमरस वाली थाली। मैं पानी और कुरडई लेके आती हूँ। हाँ ठीक है, तब तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे वाह वाह, तो ये है खास कुरडई जो खाई जाती है स्पेशली आमरस के साथ। ऐसा माना जाता है कि अक्षत तृतीया के दिन जो थाली बनती है, जो खाना बनता है, वो सिर्फ भगवान को ही समर्पित नहीं किया जा सकता, ये समर्पित किया जा सकता है हमारे पूर्वजों के लिए, जो हमारे पूर्वज थे जो गुजर चुके हैं, बट उनका आशीष अभी भी, हम ऐसा समझते हैं कि उनका आशीष अभी भी हमारे सर पे है, और ये थाली उनके लिए भी समर्पित जाती है। ये इस थाली की खासियत है कि ये सिर्फ भगवान को ही नहीं, हमारे पूर्वजों को भी अर्पित की जा सकती है। मैं सही है ना? तो चलो शुरू करते हैं पूरन पोली से। पूरन पोली मेरी बहुत ही फेवरेट है। वैसे तो ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारा घी लगा हुआ है, बट ट्रेडिशनली एक एक्स्ट्रा बोल में घी दिया जाता है। अगर आपको और घी पसंद है तो आप इसमें डुबा के खा सकते हैं, या अगर आपको दूध पसंद है तो आप दूध में भी डुबा के खा सकते हैं। वैसे मुझे तो पसंद है घी के साथ। तो ये है मेरी पूरन पोली। सो आप भी खाओ मयूर। अच्छी लगी, स्वर्ग, बहुत ही अच्छी बनी है ये पूरन पोली। खास बनी है गुड़ से, तो ये बहुत हेल्दी है। जनरली जो शुगर से बनती है वो हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती है। हर कैलोरीज तो इसलिए भी है, बट आई थिंक जो शुगर से जो बनती है वो काइंड ऑफ जंक फूड भी मान सकते हैं। मगर जहाँ तक कि पूरन पोली की बात है, इसको हम जंक नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ये है पूरन पोली। वैसे पूरन पोली तो महाराष्ट्र में हर त्यौहार में खाई जाती है, हर डिश में पूरन पोली होती है। पूरन पोली मान लो महाराष्ट्र की सिग्नेचर डिश है, बट अक्षत तृतीया के दिन ये खाई जाती है आम रस के साथ। ये आज के थाली की खासियत है। जनरली महाराष्ट्र में इस महीने को आम राई भी कहा जाता है। आम राई का मतलब होता है मंथ ऑफ मैंगोस। तो इस दिन हर दिन खाने में आम रस बनता है। बहुत सारी डिशेज होती हैं जो आम रस से बनती हैं, आमरस की वड़ी, आमरस की चपाती, आमरस की भुजिया, व्हाट नॉट। तो ये महीना डेडिकेट किया जाता है आम को, और इसीलिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि अक्षत तृतीया के दिन आप जो भी शुरू करते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो बढ़ता ही जाता है, समृद्धि और स्नेह बना रहता है। तो ऑफ कोर्स आम इंडिया का, महाराष्ट्र का नहीं, इंडिया का फेवरेट फ्रूट है। तो अगर आप इसको खाना इस दिन में शुरू करेंगे तो ऑफ कोर्स ये बढ़ता ही जाएगा। मुझे लगता है कि शायद इसका ये लॉजिक हो। तो मयूरी पूरन पोली बहुत ही अच्छी बनी है। थैंक यू सो मच, आपको अच्छी लगी। मेरी भी बहुत फेवरेट है ना, मैंने भी सुना था कि आपकी भी फेवरेट है। वैसे पूरन पोली हमारे घर में सबको अच्छी लगती है और सब बहुत प्यार से खाते हैं, इसीलिए आप अच्छे से बनाती भी हैं। अरे आमरस बना है अल्फेंसो मैंगो से। अल्फेंसो जो कोंकण में बनते हैं वो बहुत ही फेमस है महाराष्ट्र में। अल्फेंसो मैंगो की डिमांड ज़्यादा होती है क्योंकि अल्फेंसो को बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि इसका टेस्ट ही सिर्फ अच्छा नहीं होता है, दिखने में भी बहुत सुंदर दिखता है। देखो कितना ऑरेंज। So, thank you so much, Mayuri, for connecting us on Akshat Triteya's favorite festival thali. तो आप YouTube, हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।